नमस्कार जोहार, आप देख रहे नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ झारखंड पीपुल्स पार्टी का नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष अनिल भगत जी हैं। आज इनसे बात करते हैं कि जो 2024 झारखंड के लिए एक चुनावी वर्ष है, अब देखते हैं कि झारखंड में पीपुल्स पार्टी जो नवनिर्मित है और नए जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इनके कंधे में बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला है। अब देखते हैं जिम्मेवारी को कैसे क्या करते हैं। 2024 जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस पर कहा सरकार ने आप अपना नाम से बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अनिल कुमार भगत, छोटा भाई स्वर्गीय कमल किशोर भगत, लोहरदगा के दो बार आसू के दो बार विधायक रह चुके हैं। आज 27 जून 2024 का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू, जो कि एक छात्र संगठन है, उसका राजनीतिक विंग है झारखंड पीपुल्स पार्टी। झारखंड पीपुल्स पार्टी की केंद्रीय समिति ने आज मुझे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं इस पद की जवाबदेही को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कर्मठता के साथ आगे निभाऊंगा। हमारे बड़े भैया कमल किशोर भगत, जो कि आसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के 10,000 सेना में से वो भी एक सेना थे, जो कि हमारे संस्थापक अर्थात आसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ, जो कि हमारे आदरणीय गुरु बड़े भैया के समान भी है, पिता तुल्य भी हैं, उनकी छाया में रहकर उन्होंने झारखंड आंदोलन को जो धार दी थी और उसके पश्चात झारखंड आंदोलन के पश्चात जो झारखंड राज्य मिला 2009 में और 2014 में, वो लोहरदगा से विधायक बने। आज मैं जो कि इस केंद्रीय कमेटी के बीच मुझे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इस जवाबदेही को मैं बखूबी ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और आने वाले समय में मैं लोहरदगा की जनता का अगुवाई करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। जिस तरह हमारे बड़े भैया कमल किशोर भगत ने जनता की विश्वास को पूरा करते हुए लोहरदगा में जिस तरह उन्होंने विकास की एक रेखा खींची और आज वो हमारे बीच नहीं है, उस रेखा को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। और इसी के साथ ही मैं अपने परिवार की विरासत अर्थात पारिवारिक जो हमारा एक विरासत है, हमारे परदादा भी क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो गांधी जी के सहयोगी थे। उनका नाम रहा सुत्ता सरानी स्वर्गीय ललताना भगत। इंदिरा गांधी ने उनको सुत्ता सरानी का प्रमाण पत्र भी दिया है और आज उन्हीं के हम तीसरी पीढ़ी हैं जो कि इस झारखंड आंदोलन में अपना योगदान दिए और मैं भी इस वर्तमान समय में अपना भरपूर योगदान देने के लिए कदम बढ़ा चुका हूँ। भगत जी, मैं एक चीज कहना है कि अभी जो लोकसभा जस्ट खत्म हुई है, इस दरमियान में फिर विधानसभा भी है और यहाँ पे दो ही पार्ट दो तरह का संगठन चल रहा है, एक इंडिया गठबंधन एक एनडीए गठबंधन। तो आप बताएं कि अपने आप को जो झारखंड पीपुल्स पार्टी जो है कहाँ पे अपने आप को स्थापित करती है? आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो दो गठबंधन का नाम आपने दिया, एक एनडीए और दूसरा है इंडिया गठबंधन, तो ये जो गठबंधन है सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में गठबंधन किए हैं। हमारा आज का जो ये क्रांतिकारी कदम जो उठाया गया है और मुझे जवाबदेही दी गई है, हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। आज जनता के पास संविधान ने एक ऑप्शन दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटा। तो नोटा में हमारा जो मत है वो तीसरा विकल्प रूप में दिखता है, लेकिन तीसरा विकल्प भी जनता को दिखना चाहिए। ए बी सी एनडीए इंडिया और तीसरा सी है झारखंड पीपुल्स पार्टी, जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का एक राजनीतिक रूप है, उसी का एक राजनीतिक दल है। ऑल झारखंड स्टूडेंट आसू, जो कि एक छात्र संगठन रहा है, वो कभी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती है, उसी का राजनीतिक स्वरूप है झारखंड पीपुल्स पार्टी और उसके जो सूत्रधार हैं
डॉक्टर सूर्य सिंह बसरा जी, उन्हीं की अगुवाई में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आज हम लोग इस पार्टी में वैसे लोग जो बागी हैं अथवा दागी हैं वैसे लोगों को हम अपने साथ नहीं लेंगे। जो ईमानदारी पूर्वक जिसको झारखंड से लगाव है, इसके प्रति दर्द है, वैसे लोग ईमानदारी से जुड़ना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ सत्ता पाने के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हम लोग उनको हाथ जोड़ के उनका स्वागत और उनको चाहेंगे कि आप अपने रास्ते पर चले, लेकिन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आप हमसे मत आइए। तो एक और अभी जो नया नया संगठन उभर के आया है जो जयराम महतो, तो उस गठबंधन में भी उसने लोकसभा का भी चुनाव लगा और कुछ लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भी रहा, जैसे हजारीबाग, रांची, गिरिडीह में अच्छा प्रदर्शन रहा। आप उस दरमियान में देखा जा रहा है उसने 50-55 सीटों पर घोषणा भी कर दी है, तो इससे आप पे कहाँ पे देख रहे हैं जो थर्ड फ्रंट? आपका ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर हमारा बहुत ही संक्षिप्त जवाब होगा। इस विषय पर मैं किसी भी तरह का विचार देने में अपने आप को मैं उचित नहीं मानता हूँ। आगे क्या तैयारी सर? आगे हम लोग कल्पनाओं पर नहीं जी रहे, हम लोग वास्तविकताओं पर जी रहे हैं। जो अपनी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और जो जिस क्षेत्र में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ईमानदार लोग अगर हमसे जुड़ते हैं तो उनका हमारा स्वागत है। लेकिन बागी, दागी अथवा दलबदलू लोग अगर आते हैं तो उनको हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। पूर्व विधायक लोहरदगा के कमल किशोर भगत का छोटा भाई अनिल भगत जी, जो कहीं ना कहीं के परिवार में एक राजनीतिक बहुत अच्छा से पकड़ भी है और राजनीति गुरु बहादुर भी रहे, भाई भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन ये फिर नए अपने आजमा रहे हैं कि झारखंड पार्टी के द्वारा। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रिजल्ट होता है। नमस्कार जोहार।